अपनी रिसेंटली रिलीज हुई वेब सीरीज लस्ट स्टोरी की ह्यूज सक्सेस के बाद राधिका आप्टे एक बार फिर अपनी नेक्स्ट सीरीज के लिए एक प्रॉमिसिंग रोल में नजर आने वाली हैं। मगर इस बार वो अकेली नहीं बल्कि उनके ऑपोजिट दिखेंगे एक्टर सैफ अली खान, जो बहुत सालों के गैप के बाद स्मॉल स्क्रीन पर अपना कमबैक करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमें वर्सिटाइल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक चैलेंजिंग रोल में नजर आएंगे। अगर सेक्रेट गेम्स की बात की जाए तो ये वेब सीरीज मुंबई के डार्क साइड को हाईलाइट करेगी, जहां पॉलिटिक्स, क्राइम और पैशन एक साथ आकर एक कैसा डेडली गेम बनाते हैं ये पता चलेगा। सेक्रेट गेम्स विक्रम चंद्रा की क्रिटिकली अक्लेम्ड एपिक नॉवेल पर बेस्ड है, जहां राधिका आप्टे इससे पहले कई वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं, मगर सैफ अली खान का डिजिटल स्पेस में ये पहला डेब्यू है। सैफ कहते हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई रियली इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म टू बी ऑन टू डू सम गुड वर्क एंड एक्साइटिंग वर्क। सैफ ने ये इन्फॉर्मेशन क्विंट को दी है। सैक्रेट गेम्स में तीनों ही एक्टर यानी कि राधिका आप्टे, सैफ एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग है। इस 8 एपिसोड के फुल ड्रामा सीरीज में सैफ अली खान का कैरेक्टर है सरताज सिंह का, राधिका आप्टे अंजलि माथुर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी गणेश गायतोंडे का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस वेब सीरीज में बोल्ड और स्टीमी एक्ट्रेस सुरवीन चावला भी स्पेशल कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल उनके कैरेक्टर के बारे में रिवील नहीं किया गया है। सैक्रेट गेम स्टोरी फोकस करती है सरताज सिंह पे, जो एक अंडर परफॉर्मिंग मुंबई पुलिस का ऑफिसर है। उनको एक मॉर्निंग गणेश गायतोंडे का कॉल आ जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ अब चेंज होने वाली है, 25 दिन है तुम्हारे पास, बचा सकते हो तो बचा लो अपने शहर को। वहीं सैफ अली खान राधिका आप्टे के साथ इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए काफी स्ट्रगल करती हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमेशा की तरह इस फिल्म में टिपिकल टपोरी स्टाइल में डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। 8 घंटे के इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने और विक्रमादित्य मोटवानी ने। सैक्रेट गेम का प्रीमियर आज यानी कि जुलाई 6 को नेटफ्लिक्स की सारी टेरिटरीज पे अवेलेबल होगा। वेल, देखते हैं कि ये वेब सीरीज लव स्टोरीज की तरह ह्यूज सक्सेस कमा पाती है या नहीं। फिलहाल रिश्ता टीवी का मैं इतना ही। अपने फेवरेट सीरियल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और फिलहाल दें इस वीडियो को थम्स अप।